नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विगत दिनों कलेक्ट्रेट में डीएमएफ मीटिंग के दौरान चित्रकूट विधायक आदरणीय नीलांशु चतुर्वेदी जी द्वारा चित्रकूट के विकास की बात माननीय प्रभारी मंत्री जी के सामने रखने पर सतना सांसद गणेश सिंह उत्तेजित हो गए और चित्रकूट विधायक पर उल जलूल आरोप प्रत्यारोप करने लगे। साथ ही पूरे चित्रकूट विधानसभा को अपमानित करने में भी सांसद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटनाक्रम के बाद पूरे चित्रकूट के आम जनमानस सांसद के प्रति काफी उत्तेजित और आक्रोशित है। इसी तारतम्य में आज बिरसिंहपुर में युवा कांग्रेस ने सांसद सतना का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया और चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर सतना सांसद चित्रकूट विधायक से माफी नहीं मांगते हैं तो जल्द ही युवा कांग्रेस उनके घर का घेराव करेगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से युवा चित्रकूट उपाध्यक्ष राजीव प्यासी, ब्लॉक उपाध्यक्ष द्वय सुशील अग्निहोत्री, नवीन केशरवानी, उमेश द्विवेदी, पंकज शुक्ला, जितेंद्र बड़गैया, सुंदरम गौतम, सोनू सिंह, राजू सिंह, गोलू द्विवेदी, कुशल सेन, दशरथ डोहर, विपिन सेन, शानु द्विवेदी, शिवांक त्रिपाठी सहित सैकड़ों युवा इस प्रदर्शन में शामिल रहे। जिला के बारे में बोल, आज का कार्यक्रम किस लिए? ये जो सतना जिले के सांसद हैं, इन्होंने चित्रकूट विधानसभा, पूरी विधानसभा का जो अपमान किया है। चित्रकूट विधायक माननीय नीलांशु चतुर्वेदी जी चित्रकूट के विकास की बात रख रहे थे डीएमएफ की मीटिंग में, वहां पर हमारे चित्रकूट विधायक के खिलाफ सांसद द्वारा अपमानजनक बातें कही गई। पूरा चित्रकूट विधानसभा आक्रोशित है एवं सांसद जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक यह युवा कांग्रेस का कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, नीलांशु भैया जिंदाबाद।